श्री राम कथा आयोजन समिति के तत्वावधान में नंदी गौशाला में आयोजित हो रही राम कथा में कथावाचक मुरलीधर महाराज द्वारा राम कथा के कई प्रसंगों का संगीतमय वाचन करते हुए वर्णन किया गया। इस दौरान कथा सुनने को लेकर सैकड़ों की संख्या में भक्तजन उपस्थित रहे। स्थानीय नंदी गौशाला में श्री राम कथा आयोजन समिति के तत्वावधान में राम कथा के तीसरे दिन कथावाचक मुरलीधर महाराज ने कथा आरंभ की। कथावाचक मुरलीधर जी महाराज ने सती के आत्मदाह की कथा को बताते हुए कहा कि स्त्रियों को अपने पति के आदर मान का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। पति की इच्छा के विरुद्ध कार्य करने पर उसकी परिणति अच्छी नहीं होती। राजा दक्ष द्वारा भगवान शिव का अपमान कितना घातक सिद्ध हुआ यह हमारे सामने है। ईसर गणगौर पूजा भी गौरी का पूजन है। कथावाचक मुरलीधर महाराज ने रामकथा का संगीत में वाचन करते हुए बताया कि मुनि नारद ने दक्ष को पूर्व में ही पार्वती के वर के बारे में हाथ देखकर ही बता दिया था कि उनकी बेटी का विवाह एक ऐसे वर से होगा जो इस त्रिलोक में एक अनूठा व्यक्ति होगा। शिव पार्वती विवाह की बारात की व्याख्या करते हुए बारात में भूत प्रेत अघोरियों नंदियों साधु संतों और जटाधारियों के आने से दक्ष नगरी उन्हें देखने को उमड़ पड़ी। कथा के दौरान सैकड़ों की संख्या में भक्त मुरलीधर महाराज के संगीतमय वाचन से भाविभोर होते हुए भक्तगण नजर आए। सब में परमात्मा है और सब परमात्मा का स्वरूप है। पार्वती जी राज का प्रश्न है, बिल्कुल सहज है, इनमें छल नहीं है। छल वही सुन शिव मन भाई कहू राम अवतार, आप राम जी ने अवतारी कथा सुनाओ। नंदी गौशाला में मुरलीधर महाराज के मुखारबिंद से की जा रही रामकथा के दौरान राजस्थान गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष मेवाराम जैन, सभापति दीपक माली, ओम प्रकाश मेहता, श्रवण कुमार माहेश्वरी, पुरुषोत्तम खत्री, ओम प्रकाश शर्मा, ओम जोशी, किशनलाल वडेरा, यूसुफ, श्यामलाल माली, अमर सिंह चौधरी, हवा जांगिड़ सहित सैकड़ों की संख्या में भक्त मौजूद रहे।